हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो आगे चल के HDFC बैंक जैसा रिटर्न बना कर दे सकता है, इंडसइंड बैंक जैसा रिटर्न बना कर दे सकता है। बहुत ही मजबूत बैंक है ये, और मुझे लगता है कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए। बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा ग्रोथ है, NPA भी कंट्रोल में है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, और इस बैंक में आप जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो, जैसे आप HDFC बैंक में लगाते हो या फिर इंडसइंड बैंक में पैसा लगाते हो। और मेरा जहाँ तक फोकस रहता है, अच्छी कंपनी में फोकस रहता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं और बड़ा पैसा बनाएं। और देखो, बैंक और NBFC कंपनी, इंडिया ग्रोथ करेगा, इंडिया आगे जाएगा, तो बैंक और NBFC कंपनी का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। तो ये सब कंपनी आपको बहुत तेज़ी से रिटर्न बना के दे सकता है। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले अगर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, और अगर NBFC और बैंकिंग कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हो तो NPA पे ध्यान देना। NPA 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 1091.29 था। सितंबर 17 में 1091.29 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 1463.43 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ पे नेट सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, 1091 से 1463 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम सितंबर 17 में था वो 1332.36 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 1796.54 हो चुका है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है टोटल इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 17 में था वो 658.32 था, और सितंबर 18 में हो चुका है वो 846.42 हो चुका है। तो देख लो कितना जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 658 से 846 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिट्टा देख लो, एबिट्टा सितंबर 17 में था वो 899.39 है, और सितंबर 18 हो चुका है वो 1179.83 हो चुका है। तो देख लो, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट्टा दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिया देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिया सितंबर 17 में था वो 225.51 है, और सितंबर 18 हो चुका है वो 344.22 हो चुका है। तो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी काफ़ी ज़बरदस्त है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और मैं ऐसी कंपनी को पसंद भी करता हूँ। और आप लोगों को भी ऐसी कंपनी खरीदना चाहिए भाई, जिसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हो, ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे हो। ऐसी कंपनी खरीदते हो ना तो मज़ा आता है, वो स्टॉक आपको चलता ही रहेगा, गिरेगा फिर से चलना शुरू कर देगा। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट सितंबर 17 में था वो 150.62 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 204.52 हो चुका है। देख लो पैट कितना ज़बरदस्त है, किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। मुझे इसका क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख रहा हूँ, पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए, मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 1351.62 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो, वाह काफ़ी अच्छा है भाई, नेट सेल 4507 हो चुका है। देख लो, 1351 से 4507 हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है इसका नेट सेल से, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम मार्च 14 में था वो 1612.59 है, और मार्च 18 में हो चुका है वो 5575.75 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 14 में था वो माइनस में था, -61.33 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 349.83 हो चुका है। देख लो कितना अच्छा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्च 14 में माइनस में था -61, और मार्च 18 में हो चुका है 349, काफ़ी अच्छा है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिट्टा देख लो, एबिट्टा मार्च 14 में था वो 1209.63 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 4159.30 हो चुका है। देख लो, एबिट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों काफ़ी मुझे ज़बरदस्त लग रहा है, देख सकते हो कितना भाई ज़बरदस्त है इसका।
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर मार्च 14 में था वो 92.67 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 635 हो चुका है। देख लो 92 से 35 हो चुका है, इन 5 सालों में कहाँ से कहाँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर हो गया 92 से 635, काफ़ी अच्छा है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट मार्च 14 में था वो 92.67 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 635.09 हो चुका है। तो देख लो पैट कितना ज़बरदस्त है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस काफ़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हो मार्च 14 में जो एनुअल ईपीएस था वो 3.41 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 15.13 हो चुका है। देख लो इन 5 सालों में एनुअल ईपीएस कहाँ से कहाँ जा चुका है, 3 से 15 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। देख लो 3 था 7 9 11 15, हर ईयर बढ़ रहा है भाई एनुअल ईपीएस। ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, मजबूत बैंक है, डरिए मत, ये सब बहुत बड़ा पैसा बना के देता है। अगर 30% से भी अगर पैसा बनाता है ना भाई, 30% ईयरली से भी अगर रिटर्न आपको मिलता है तो बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, सुरक्षित कंपनी तो है ही। आरबीएल बैंक का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो देखो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इनका, और इतना भूचाल आया है एनबीएफसी कंपनी में, बैंक में, लेकिन आरबीएल बैंक का आप नाम भी नहीं सुने होंगे, बंधन बैंक का नाम सुने होंगे लेकिन इसका तो नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, चाहे वो आरबीएल हो, एचडीएफसी बैंक हो, और भी बजाज फाइनेंस हो, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा, एचडीएफसी लिमिटेड हो, ये सब कंपनी में आप पैसा लगाएंगे ना तो आप आराम से सो सकते हैं, और हम लोग को सबसे पहले इसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए जो अच्छी कंपनी होती है, क्योंकि अच्छी ही कंपनी में आपका पैसा बनेगा। और इधर उधर कंपनी आप खरीद लेते हैं तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसा सुरक्षित है, और रिजल्ट भी अभी मैं आपको दिखाया कितने अच्छे आते हैं, ईपीएस में तो गर्दा का ग्रोथ है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा सभी अच्छे हैं, तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। आरबीएल बैंक का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो देखो सभी बैंकों की तरह इनके पास भी वही होंगे, तो देख लो पर्सनल बैंकिंग में अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, डीमैट, ये सब देख सकते हो, फॉरेक्स सर्विस, एनआरआई सर्विस भी देख लो, बिजनेस बैंकिंग, एग्री बैंकिंग, कमर्शियल, कॉरपोरेट, इंस्टीट्यूशन बैंकिंग, माइक्रो एंड स्मॉल कैप बैंकिंग, यही सब है फ्रेंड जो आप दूसरी बैंकों में देखते हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस कंपनी को खरीद के भूल जाइए, आपका पैसा बनता रहेगा, और अच्छी कंपनी में पैसा लगाएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ पैसा भी बनता है, और ये सब तो लाइफ टाइम वाला स्टॉक है भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आरबीएल बैंक का अब मैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आपको दिखाऊंगा, ये जो मैं दिखाऊंगा वो मार्च 14 से मार्च 18 तक दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 6% से ज़्यादा हो तो आप लोग उस कंपनी में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एसबीआई का आपने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए चेक कर लिया कितना ज़्यादा है, पीएनबी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए चेक कर लीजिएगा, आईडीबीआई बैंक का चेक कर लीजिएगा, तो ये सब कंपनी में आपका कभी भी पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सब कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बहुत ज़्यादा है, ये सब कंपनी में आप बस आपको खबरों की वजह से पैसा बन सकता है, सरकार बोलेंगी कि मैं पैसा डालूंगा तो ये सब बैंकिंग जो कंपनी है वो चलने लगते हैं, तो आप लोग 6% से जिसका भी ग्रॉस एनपीए ज़्यादा होगा उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना आपका पैसा नहीं बन पाएगा। तो देखिए आरबीएल बैंक का ग्रॉस एनपीए क्या है, तो देखिए ग्रॉस एनपीए मार्च 14 में आरबीएल बैंक का था वो 1% का था, और मार्च 18 में भी 1% का है, यानी इसका ग्रॉस एनपीए कंट्रोल में है, देखो स्टेबल है, बढ़ भी नहीं रहा है, देख सकते हो। नेट एनपीए भी देख लो आरबीएल बैंक का, नेट एनपीए भी देख सकते हो, यहाँ तो अपडेट ही नहीं है, 0-0 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 1% का है, 1% का है, 1% का है, तो इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कंट्रोल में है, तो आप लोग आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकता है। आरबीएल बैंक अब तक किस टाइप से रिटर्न दे चुकी है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका लिस्टिंग का ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 10 साल का नहीं शो करेगा, 3 साल का भी नहीं शो करेगा, 1 ईयर का यहाँ पे शो करेगा, 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है आरबीएल बैंक ने वो 7.87% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है वो 5.73% रिटर्न है, ईयर टू डेट में देख लो कितना रिटर्न दिया है आरबीएल बैंक ने, ईयर टू डेट में 8.78% रिटर्न है, सेंसेक्स रिटर्न है वो 3.21% रिटर्न है,
मंथ में देख लो, 1 मंथ में कितना दिया है, 1 मंथ में 0.43% टर्न है, लेकिन सेंसेक्स का टर्न है वो 0.03% टर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में जो रिटर्न है वो 0.34% टर्न है, माइनस में है, और सेंसेक्स भी माइनस में टर्न दिया है, -3.01% टर्न है, और 1 डे में जो रिटर्न है वो 0.93% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है वो -1.47% टर्न है। देखो यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं शो कर रहा है, लगभग ना के बराबर है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये एक मजबूत बैंक है जिसको आपको खरीद के रखना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, खरीद के रखिए, रिटर्न बना के देगा। आरवील बैंक का आपको मैं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 0% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है वो 17.57% होल्डिंग है, तो FIS के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो 19.65% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग है वो 0.45% होल्डिंग है, नॉन समझ होल्डिंग है वो 61.76% होल्डिंग है। कोई भी शेयर आरबीएल बैंक का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। CDC ग्रुप PLC का जो होल्डिंग है वो 6.66% की होल्डिंग है। आरबीएल बैंक का आपको मैं वैल्यूएशन में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो पी रेशियो है आरबीएल बैंक का वो 31.64% का है, बुक वैल्यू आरबीएल बैंक का वो 3.32% का है, तो ये स्टॉक 3 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। यहाँ पे वैल्यूएशन देख लो, फेयर बता रहा है। आरबीएल बैंक का नेट इनकम ग्रोथ देख लो, 5 ईयर का नेट इनकम ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो काफ़ी अच्छा है, बजाज फाइनेंस टाइप का इसका नेट इनकम ग्रोथ है, देख सकते हो 44.58% का है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बजाज फाइनेंस का कुछ इसी टाइप का है नेट इनकम ग्रोथ। नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर का वो 41.12% का है, एडवांस डिपॉजिट है वो 90.49% का है, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। ग्रॉस NPA देख लो लेटेस्ट वो 1.40% का है, तो देख लो यहाँ पे ग्रॉस NPA लेटेस्ट जो है वो 1.40% का है, काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस NPA एवरेज देख लो ये 1.22% का है, तो ये लेटेस्ट वाला ग्रॉस NPA है, तो देखो 1.5% भी इसका ग्रॉस NPA नहीं है भाई, तो इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको ये पैसा बना कर देगा। यहाँ पे क्वालिटीज वाइज देख लो गुड बता रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम देख लो क्वार्टर यहाँ पे बढ़ ही रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सभी, मुझे कहीं से भी ये कंपनी खराब नहीं लग रहा। यहाँ पे देख लो किस टाइप से कंपनी रिटर्न दी है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आपको पैसा ला कर रखना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करके देगा। आरबीएल बैंक का 52 वीक हाई है वो 652 रुपया, 50 वीक टू लो है वो 438 रुपये 80 पैसा है। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 100% लोअर है, बाई कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आरबीएल बैंक का मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा आरबीएल बैंक का मार्केट कैप है, 23,492.51 का मार्केट कैप है। पी जो है आरबीएल बैंक का वो 31.83 का पी है, और इंडस्ट्री जो पी है वो 33.14 का है, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आरबीएल बैंक का पी कम है, और इसका वैल्यूएशन में फेयर बता रहा है, तो आपको खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। बुक वैल्यू है वो 157.27 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है आरबीएल बैंक का, 17.35 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है, और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आरबीएल बैंक का आप नेटवर्क देख लो, नेटवर्क जो है वो 6,683.97 का नेटवर्क है, टोटल जो डेबिट है वो अच्छा खासा है, इसमें डेट है। अब कई भाई लोग हैं वो मुझे बोलेंगे कि आप इतनी भारी भरकम डेट वाली कंपनी क्यों बता रहे हो, तो देखो ये बैंकिंग कंपनी है भाई, ये जो डेट है ना ये इसका रॉ मटेरियल है, चाहे वो NBFC कंपनी हो या फिर बैंक हो, तो ये इनकी रॉ मटेरियल होती है। अगर यही अगर ऑटो सेक्टर एक कंपनी रहती, केमिकल सेक्टर एक कंपनी रहती, या फिर ऑटो एनसीज कंपनी रहती, अगर उसमें इतना भारी भरकम डेट होता तो मैं आपको बताता ही नहीं, तो ये जो डेट है ये इनकी रॉ मटेरियल है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप HDFC बैंक का चेक कर सकते हो, या फिर SBI का भी चेक कर सकते हो, वो सब कंपनी में तो और भी डेबिट दिखाई देगा, तो वो सब रॉ मटेरियल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है आरबीएल बैंक का वो 15,443 का इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो एसेट्स है वो 61,850 का एसेट्स है। यहाँ पे देख लो नेट प्रॉफिट कितना अच्छा खासा बढ़ रहा है, देख सकते हो 17 दिसंबर में जो नेट प्रॉफिट था वो 165.33 था, और 18 सितंबर हो चुका है वो 204.54 हो चुका है, देख लो कितना अच्छा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। कंपनी काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट बहुत ही अच्छे पेश कर रहे हैं, नेट NPA भी कंट्रोल में है, तो आपको खरीद के रख लेना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर देना,
बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और आप लोग आरबीएल बैंक को खरीदिए, 520 के प्राइस से मिलता है या फिर 480 के प्राइस से मिलता है, तो आप लोग भर भर के खरीदिएगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, नेट एनपीए कंट्रोल में है, तो आपको खरीदना चाहिए। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं भाई, तो खरीद के रखिए। ये सब एक मल्टी पैरा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट स्टॉक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रोथ वाली कंपनी रिटर्न बना के देगा। जो लोग जुड़ोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो मेरे लिंक के थ्रू खुलवा सकते हैं, मैं लिंक इससे मैं दे रखा हूँ। थैंक यू।